तो दोस्तों कल की 2898 एडी मूवी के सेकंड संडे की कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और आज का दिन कल की मूवी के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं था। आज भी कल की मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आज सेकंड संडे के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज कल की का 11वां दिन था थिएटर में और आज इसने 41 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब कमाई करी, जिसमें तेलुगु वर्जन में इसने 14 करोड़ रुपये कमाए, तमिल वर्जन में 3 करोड़ रुपये कमाए और हिंदी वर्जन में इसने 22 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ इसका सेकेंड वीकेंड भी कम्प्लीट हो चुका है। और थिएटर में ऑक्युपेंसी के बारे में बात करें तो आज हिंदी वर्जन में इसकी ऑक्युपेंसी 55% थी, जो कि कल 35% थी, सीधा 20% ऑक्युपेंसी बड़ी है। तमिल वर्जन में इसकी ऑक्युपेंसी 31% से सीधा 40% हुई है। वो तेलुगु वर्जन में इसकी ऑक्युपेंसी सबसे ज़्यादा 48% से सीधा 70% के करीब ऑक्युपेंसी हुई है। 70% का मतलब आप ये मान लो कि शोज हाउसफुल जा रहे थे, क्योंकि जितनी भी सीटें खाली रहती है थिएटर में वो आगे आगे की रहती है, क्योंकि आगे को आगे वाली सीटों से मूवी देखने में इतना मज़ा नहीं आता। और लोग जब टिकट बुक करते हैं देखते हैं कि पीछे की सीट खाली नहीं है तो वो अगले शोज की टिकट बुक करते हैं, लेकिन उसमें आगे की सीट की नहीं बुक करते। यही रीज़न है कि कभी भी किसी मूवीज़ के शोज़ 90% तक देखने को नहीं मिलते, ये बहुत ही रेयर होता है। साथ ही बाहुबली 2 के बाद प्रभास की एक और मूवी ने भारत में 500 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री मार ली है। इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है वो 507 करोड़ रुपए हो जाता है, जिसमें तेलुगु वर्जन में इसने 242 करोड़ रुपए कमाए हैं, तमिल वर्जन में इसने 30 करोड़ रुपए कमाए और हिंदी वर्जन में इसने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है और 211 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई करी है। तो सबसे पहला तो रिकॉर्ड इस मूवी का ये है कि ये भारत की चौथी हिंदी डब्ड मूवी बन चुकी है जिसके हिंदी वर्जन ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस किया है, और प्रभास की दूसरी मूवी बन चुकी है जिसने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस किया है। इससे पहले प्रभास की बाहुबली 2 ने, जो कि 2017 में आई थी, और किसी भी हिंदी डब्ड मूवी की लाइफ टाइम कलेक्शन की लिस्ट में भी ये चौथे नंबर पर आ चुकी है। पहले नंबर पर प्रभास खुद हैं बाहुबली 2 के साथ में, जिसने 510 करोड़ रुपये हिंदी वर्जन में कमाए थे। दूसरे पर हैं KGF चैप्टर 2, KGF स्टार यश, जिन्होंने 434 करोड़ रुपए की हिंदी वर्जन में कमाई करी थी 2022 में। और तीसरे पर है RRR, जो कि 2022 में ही रिलीज हुई थी, इसने 274 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी वर्जन में। अब इसको तीसरे नंबर की पोजीशन पे आने के लिए कम से कम 60 करोड़ रुपए और चाहिए, मुझे लगता है इस हफ्ते ये रिकॉर्ड भी बना लेगी और ये भारत की तीसरे नंबर की मूवी बन जाएगी हिंदी डब्ड वर्जन में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में। चलो इस रिकॉर्ड को टूटने में 5-7 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन RRR का एक रिकॉर्ड ये आज तोड़ चुकी है 200 करोड़ रुपए कमा के, वो है फास्टेस्ट 200 करोड़ क्लब में एंट्री हिंदी वर्जन में। फास्टेस्ट 200 करोड़ क्लब में RRR ने 13 दिन में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस किया था, जबकि कल की मूवी ने 11 दिन में ये आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। बाहुबली 2 की प्रभास की, उसने 6 दिन में 200 करोड़ रुपए कमाए थे। और सबसे पहले नंबर पर इस लिस्ट में है KGF चैप्टर 2, जिसने 5 दिन में 200 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी वर्जन में। वैसे RRR को इसने एक रिकॉर्ड में और पछाड़ा है, वो है सेकंड संडे के हाईएस्ट कलेक्शन के बारे में। RRR ने सेकंड संडे को 20 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, कल की ने 22 करोड़ रुपए की कमाई करी है हिंदी वर्जन। लेकिन कल की अगर 68 लाख रुपए और कमा लेती तो ये KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़कर दूसरे नंबर की पोजीशन पर आ सकती थी, क्योंकि KGF चैप्टर 2 ने 22 करोड़ 68 लाख रुपए कमाए थे सेकंड संडे को। सिर्फ थोड़ा सा ये मूवी चूक गई। और फर्स्ट नंबर पर है बाहुबली 2, जिसने 34 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे सेकंड संडे को। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों मूवीज़ के बीच में, लगभग 12 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी सेकंड संडे के हाईएस्ट कलेक्शन की लिस्ट में कल्कि ने PK को भी पछाड़ा है, जिसका हिंदी वर्जन में कलेक्शन 21 करोड़ 85 लाख रुपए था, इससे 25 लाख रुपए कम। तो इस चीज़ में ये फॉर्चुनेट रही कि इसने आमिर खान की इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब बेशक इसने आमिर खान की एक मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन आमिर खान की एक मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ने से आज ये चूक गई, वो है सीक्रेट सुपरस्टार। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं। कल की मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 870 से 875 करोड़ रुपये के बीच में हो चुका है और ये 10वें नंबर की पोजीशन पर है भारत की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी में वर्ल्ड वाइड। सीक्रेट सुपरस्टार ने 212 करोड़ रुपये कमाए हैं और अभी ये इससे लगभग 30-35 करोड़ रुपये शॉर्ट है, तो अगले 2-3 दिनों में ये 9th नंबर की पोजीशन हासिल कर सकती है, अभी देर है। अब डोमेस्टिक कलेक्शंस के रिकॉर्ड्स की बात हो चुकी है, संडे के कलेक्शंस के रिकॉर्ड्स की बात हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की भी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं वीकेंड के बारे में। ये इसका सेकंड वीकेंड था और सेकंड वीकेंड को कल की मूवी ने 93 करोड़ 15 लाख रुपए के करीब कमाए और इसने जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सेकंड वीकेंड के नंबर्स में। जवान ने सेकंड वीकेंड पर 87 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए थे और पठान ने 66 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन ये एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई। एनिमल ने सेकंड वीकेंड पर 93 करोड़ 69 लाख रुपए कमाए थे, मतलब सिर्फ 50 लाख रुपए अगर ये और कमा लेती तो ये एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। हालांकि अभी भी ये कुछ मायनों में RRR और KGF चैप्टर 2 से बहुत पीछे है,
KGF चैप्टर 2 ने सेकेंड वीकेंड में 105 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और RRR ने 140 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। RRR ये बहुत बड़ा गैप है, लगभग 50 करोड़ रुपए का अंतर है इन दोनों के बीच में। इससे पता चलता है कि RRR हिंदी डब्ड वर्जन में कितनी बड़ी मूवी है। अब मुझे लगता है हम सारे रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर चुके हैं और कोई रिकॉर्ड्स अब नहीं रहा। आज कल की मूवी का 11वां दिन था थिएटर में। अब 11वें दिन में हाईएस्ट कलेक्शन के मामले में भी इसके बारे में देख लेते हैं। 11वें दिन को सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ में कल की 2898 एडी मूवी फोर्थ पोजीशन पर आ चुकी है। मतलब भारत की ये चौथे नंबर की मूवी है जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करी है अपने 11वें दिन में। कल की ने आज 22 करोड़ रुपए कमाए हिंदी वर्जन में। मैं बात जितनी भी रिकॉर्ड्स की बात करूँ ये सारे हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, सिवाय वीकेंड के। वीकेंड की जो बात है वो सभी हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस की और टोटल कलेक्शन के बारे में है। इसने आज पद्मावत का रिकॉर्ड तोड़ा जिसने 11वें दिन 20 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। टाइगर जिंदा है छठे नंबर पर थे जिसने 18 करोड़ रुपए की कमाई थी। साथ ही इसने बाहुबली 2 द कंक्लूजन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है जिसने 11वें दिन 16 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। मतलब प्रभास की खुद की मूवी ने प्रभास का खुद का एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स मैंने आज आपको बताए हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप कितने भी क्रिटिक्स के वीडियोज़ देख लीजिए, कहीं पर भी आप ढूंढ लीजिए, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको कोई नहीं बताने वाला। सब आपको सिर्फ कलेक्शंस बताएंगे, नंबर बताएंगे और थोड़े बहुत कंपैरिजन कर देंगे, लेकिन जितने रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये कहीं आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला। किसी की कोई मेहनत नहीं है, मैंने इस चीज़ों पे बहुत मेहनत की है और उस मेहनत के हिसाब से अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कल की 2898 एडी मूवी के आज के दिन के कलेक्शन के बारे में अगर प्रेडिक्ट करें तो आज मंडे है, वर्किंग डे है और कल की 2898 एडी मूवी का 12वां दिन है थिएटर में। तो इसी हिसाब से ऑक्युपेंसी थिएटर में बहुत ही कम रहने वाली है, जैसे कि पहले भी 15-20-25% के करीब ऑक्युपेंसी रहती थी। तेलुगु वर्जन में 35-40% के करीब ऑक्युपेंसी रहेगी, तमिल वर्जन में 30% से नीचे जाएगी और हिंदी वर्जन में भी 25% से नीचे जाने की पूरी उम्मीद है। और इसका जो कलेक्शन है सीधा 20 करोड़ रुपए से नीचे आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी रियल फैक्ट रियल फिगर हमको कल पता चल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।